हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट टेस्ट मैच, इंग्लैंड जैसा टीम जिसका भी बहुत बुरा हालत चल रहा है वर्ल्ड कप में, आप देखें कि क्या उसका हालत था। और अभी हम इंडिया में आकर के उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में इंडिया को ही हरा दिया। डे थ्री तक हम लोग जब देखे तब उस टाइम तक लगा कि भाई ये वन साइडेड मैच है, लेकिन देखते 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 वन साइडेड से क्या ये अपनी तरफ वन साइडेड कर लिए। आप बताइए, ये सुमन गिल जिसको इतना ओवररेटेड कर दिए हैं आप लोग, उसको हर फॉर्मेट में आप उसको अच्छा पोजीशन दे दे रहे हैं, उसको चुन ले रहे हैं यार, मतलब कौन सा मैच जितवाया होगा जरा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमको, कौन सा मैच एकदम जो है एकदम टफ सिचुएशन से निकाल करके बाहर लाया होगा। शून्य पे आउट हो गया, बताइए। और घमंड तो ऐसे ऐसे इन प्लेयर्स सबका ऐसा हो गया कि पूछिए मत, और हम और आप क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। इंडिया में आकर के इंग्लैंड हरा के जा रहा है, बताइए। मतलब वो खुद का जिसका स्थिति खराब है इंग्लैंड टीम का, और वो इंडिया में आकर के इंडिया को हरा के चला जा रहा है, बताइए। तीन क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताइए, क्या कारण रहा? खराब बैटिंग, खराब बॉलिंग, या खराब कैप्टनशिप? कैप्टनशिप पे बहुत चर्चा चल रहा है रोहित शर्मा को लेकर के, बहुत सारे बोल रहे हैं कि खराब परसेंटेज है। जाहिर सी बात है खराब परसेंटेज है, और कैप्टन है तो आपको जवाब देना पड़ेगा इसके लिए। विराट कोहली के साथ भी ऐसा हुआ और महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी ऐसा ही हुआ, बताइए। स्टार्टिंग में इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग खेला उसमें 246 रन माना। इंडिया ने बहुत अच्छा बैटिंग किया फर्स्ट इनिंग में, 436 रन का टोटल दिया। फिर दूसरा इनिंग में जब इंग्लैंड आता है तो 420 मार देता है। क्यों भाई? इंडिया का पिच है, तुम लोग डेली इस पे हमेशा प्रैक्टिस, जितना आईपीएल सीजन हो गया उतना बार तुम लोग खेले हो, फिर भी तुम लोग मतलब इतना हो गया। और लास्ट में इंडिया 202 पर ऑल आउट हो गया, 28 रन से हम हार गए, बताइए। टेस्ट जानते हैं लोग, टेस्ट को मजाक बना करके रखा है। टेस्ट देखिए आप, अजिंक्य रहाणे, फिर आपका वो जो प्लेयर हैं पुजारा, ये सब प्लेयर हैं जो एकदम बेसिकली टेस्ट के लिए ही हैं, और इनका अच्छा परसेंटेज भी, एवरेज भी, सब कुछ टेस्ट में, बट इनको क्यों नहीं चुनता है बीसीसीआई, हमको नहीं समझ आता यार। ये सुमन गिल खिलाओ ना उसको, ओडीआई में खिलाओ, जब टी20 में भी खिलाओ, ये सबका नहीं हो सकता उतना अच्छा यार उनके जैसा एवरेज टेस्ट में। इंग्लैंड तुमको अपने ही पिच पे आके हरा के चला जा रहा है, जिसका खुद का परसेंटेज अभी खराब है, तो अब इससे बड़ा अब क्या बात हो सकता है, आप बताइए। सो दोस्तों, मैं खुद सोचा कि डे थ्री में अपना निपट जाएगा ये इंग्लैंड, और डे थ्री में ही हम जीत जाएंगे, हमको खुद ऐसा लगा था, क्योंकि हम उस टाइम देखे थे तो हमको लगा कि 24 रन्स मतलब पीछे था इंग्लैंड उस टाइम इंडिया का ओवरटेक करने के लिए रन। बट हम फिर देखे तो जीता हुआ मैच को हार जा रहे हो, और अभी आने वाला है 2024 में T20 वर्ल्ड कप, उसमें तुम लोग क्या परफॉर्मेंस दोगे? यही रवैया रहेगा तो कोई तुमको बोलेगा नहीं, कोई तुमको कमेंट नहीं करेगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा तुम्हारे ऊपर, कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। सो दोस्तों, आप ही बताइए क्या कारण रहा, बैटिंग खराब था, बॉलिंग खराब था, कि कैप्टनशिप खराब था, कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।